दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑफ डिसम्बर मंथली मैगजीन, और फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है और ये सेकेंड पार्ट है। इसके बाद हम नवंबर की मैगजीन कवर करने वाले हैं। आई होप कि वो फर्स्ट पार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब हम सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें न्यूज़ एंड शॉर्ट्स कवर हो जाएंगी। फिर अगला हम जो पार्ट बनाएंगे वो सीधा नवंबर की लेक्चर से बनाएंगे, नवंबर की मंथली मैगजीन से। तो देख लेते हैं इसे। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है न्यूज़ एंड शॉर्ट का, वो है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, नेम सजेस्ट करता है, इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, डाओ। तो डिसेंट्रलाइज्ड से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कि कोई एक CEO है जो पूरी तरह से हायरार्की में काम चल रहा है यहाँ पे। और ऑटोनॉमस यानी कि बिना किसी इंटरफेरेंस के एक ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, ये उसके बारे में है। स्पेसिफिकली इनका काम है जो इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको बताया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ जो जो हो सकती हैं, जो इश्यूज आ सकते हैं, जो वेरियस फेसेट्स हो सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो सारे पहले ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ लिख दिए जाते हैं कि इफ़ ये हुआ तो ये करेंगे, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। अगर ए सिचुएशन आई तो बी प्लान होना चाहिए, एक्स सिचुएशन आई तो वाई प्लान होना चाहिए। ये इसमें पहले से प्री डिसाइडेड रहता है। और डिसेंट्रलाइज होने के साथ साथ ये डेमोक्रेटिक भी है। इसमें जिन जो टोकन होल्डर्स हैं यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके पास इनफ से होता है कहने के लिए, उनके पास मौका होता है, उनका अपना वोट करने का एक इन्फ्लुएंस इक्विटेबल होता है, रादर देन किसी और के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन लेना। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का काम है। और ये स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो ही में है, बट ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से इसका फ़ायदा कई जगह पे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में उठाया जा सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था, जैसे कि नॉन फंजेबल टोकन्स, इन सब के बारे में। ये एक नॉर्मल सी चीज़, एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो काफ़ी सारी जगहों पे अप्लाई किया जा सकता है। स्पेसिफिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं और उसमें प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये है डाओ। नेक्स्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बनाई गई थी 2020 में एक G20 मीटिंग के द्वारा। आप बताएंगे कि वो 2020 में G20 मीटिंग हुई कहाँ पर थी, और यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव था ये स्टार्टिंग में। फिर इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स आए थे, 15 मेंबर्स का ये एक अलायंस है। इंडिया भी इसमें पार्टनर है। और ये जो न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन है, ये उसी के ऊपर आर्टिकल आया है। और इसमें एक काफ़ी पहले डेक्लेरेशन साइन हुआ है जिसका नाम है ब्लैशली डेक्लेरेशन। ये UK में साइन हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में। और करेंटली इसमें 29 मेंबर्स हैं। और इंडिया 2024 में इस साल इसे होस्ट करने जा रहा है, लीड चेयर इंडिया कर रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान ले, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2020 में लाया गया था, 15 मेंबर्स स्टार्टिंग में थे इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, और करेंटली इसके 29 मेंबर्स का अलायंस है, और इंडिया इसे होस्ट करने वाला है 2024 में। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से। और तीसरा है डार्क फाइबर। डार्क फाइबर एक्चुअली अभी जो कंटेक्स्ट है इसका, वो इस वजह से है कि कुछ स्कैम हुए हैं सेंसेक्स में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, कि कुछ लोग जो कुछ पुरानी केबल्स थी जो इनका यूज़ पहले होता था ड्यूरिंग स्टॉक आर्स में, उनका यूज़ नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग उन केबल्स को यूज़ करके स्टॉक मार्केट ओपन होने से पहले, यानी कि जो एक रिटेल स्टॉक ट्रेडर है, जैसे मैं और आप अलग अलग ऐप्स पे थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू करते हैं, जैसे ग्रो हो गया, ज़ेरोधा हो गया, इन सब से, तो हमें कुछ समय बाद डिले में वो ट्रांजैक्शन करने का मौका मिलता है। और जो इन केबल से यूज़ कर रहे थे उन्हें ये चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती थी, इस वजह से उन्हें लो लेटेंसी और हाई सिक्योरिटी की वजह से वो जल्दी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाते थे। तो एक इन्फ्लुएंस मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा एज मिल जाती है मार्केट में। इसे इलीगल बताया गया है, और ये इसलिए डार्क इन्हें कहा गया है क्योंकि इनमें कोई लाइट पल्स नहीं होती, क्योंकि इनके थ्रू कोई
लाइट पल्स ट्रांसमिट नहीं होती है इस वजह से। और अगर इसमें लाइट पल्स हो भी जाए तब भी इन्हें डार्क फाइबर ही कहेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं हर अदर केबल से, इस वजह से इन्हें डार्क फाइबर्स कहा जाता है। पर आप इसे कंटेक्स्ट समझ लीजिए कि इसे स्कैम के लिए यूज़ किया जा रहा था, कि जैसे मान के चलो किसी को ट्रेड करने का मौका 9:15 पर मिल रहा है वर्किंग डेज में, तो इन लोगों को 9:10 या 5 मिनट पर ही अलाउ, मतलब अलाउ नहीं, ये लोग एक्सेस पा लेते थे मार्केट का। बस ये एक इशू था, ये रिसेंट न्यूज़ में रहा है, इस वजह से डार्क फाइबर काफ़ी नाम सुनने में आया होगा। चौथा है इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये एक्चुअली गगनयान मिशन के लिए तैयारी चली है, जो गगनयान मिशन में 3 क्रू मेंबर्स का जो क्रू है उसकी ट्रेनिंग के लिए, कि वो कैसे एटमॉस्फेयर को मैनेज करेंगे, वाटर मैनेज करेंगे, फूड सप्लाई और वेस्ट मैनेज कैसे करेंगे। ये इसरो ने बताया कि वो अपनी खुद की ECLS टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे रादर देन किसी और कंट्री से बोरो करने की बजाय। और ये एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है क्रू मेंबर्स को, कि उन्हें कैसे अपने आप को हैबिचुअल बनाना है आउटर स्पेस में। इसके लिए तो इसमें इसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, वाटर रिकवरी सिस्टम, जैसे वेस्ट वाटर से क्लीन वाटर में कन्वर्ट करना इनके लिए, और दूसरा है एयर रिवाइटलाइजेशन सिस्टम, और तीसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। तो ये तीनों इसके कंपोनेंट्स हैं, और इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक ये कुछ ही कंट्रीज़ के पास है, इसी वजह से कुछ ही कंट्री अपने क्रूज़ को भेज सकती हैं स्पेस में, ECSS के वजह से, इन्वायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और जो गगनयान मिशन है उसके बारे में भी जान लेते हैं, ये एक्चुअली लो अर्थ ऑर्बिट में जाने वाला है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कल मैंने आपको लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट दो तीनों बताए थे। लो अर्थ ऑर्बिट कितने किलोमीटर्स पे बताई जाती है ये बताइए, और जो गगनयान मिशन है ये 400 किलोमीटर की हाइट पे ले जाएगा ऑर्बिट में 3 क्रू मेंबर्स को। और इसके लिए जो रॉकेट यूज़ होने वाला है उसका नाम है GSLV Mark III, GSLV Mark III। और ये 3 दिन के लिए आउटर स्पेस में रहेंगे और फिर अपने आप नीचे आ जाएंगे और इन्हें पिकअप कर लिया जाएगा सी से। ये है गगनयान मिशन। और ये जो 5वां आर्टिकल है वो है चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में। जस्ट अ सेकेंड, में आपको इसे समझाना पड़ेगा। चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल में ऐसा हुआ है कि जैसे हमने, जस्ट सेकेंड, ये मून है और ये अर्थ है। तो जब हमने अर्थ से मून के पास भेजा चंद्रयान 3 को प्रोपल्शन मॉड्यूल, वहाँ पे सक्सेस होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी भी मून की ऑर्बिट को रिवॉल्व कर रहा था उसके आसपास, तो हमने अभी उसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल में 100 kg के आसपास फ्यूल बचा हुआ था। तो उस जो एक्चुअली में मून की ऑर्बिट है उसकी जगह पे वापस अर्थ ऑर्बिट में लाने के लिए हमने उस फ्यूल का यूज़ किया है। तो जैसे वो रिवॉल्व कर रहा था लगातार लगातार, मान के चलिए, जस्ट अ सेकेंड इरेज करके एक बार बताऊँ, वो जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है प्रोपल्शन मॉड्यूल, हमने यहाँ पर इसका फ्यूल का यूज़ किया, यहाँ से जब वो फिर से नीचे आने लगता उससे पहले ही हमने इसे डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ कर दिया कि वो अर्थ के ऑर्बिट के अंदर आ जाए। थोड़ा सा हमने फ्यूल को लगाया और इंजन स्टार्ट करके ऑर्बिट में फ्रीली मूव करने की बजाय हमने उसे डायरेक्शन दे दी, इस वजह से वो वापस अर्थ के ऑर्बिट में आ गया। और ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एज अ कंट्री और एज अ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हम अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल को वापस अपने अर्थ के ऑर्बिट में ला सकते हैं। और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था आगे के आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं उनके उनके लिए। और ये जो शेप पेलोड है इसके अंदर प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर, ये अर्थ के एटमोसफेयर को स्टडी करेगा, इस वजह से इसको वापस अर्थ के एटमोसफेयर में, अर्थ के ऑर्बिट में लाया गया है। 6वां है सेलम कॉन्टैक्ट बाइनरी सैटेलाइट। पहली बात है कि ये जो सेलम कॉन्टैक्ट बाइनरी सैटेलाइट है ये नासा के लूसी मिशन के अंडर में लाया गया है। ये लूसी मिशन जो है
ये 2021 में लॉन्च हुआ था। इसका काम है ट्रोजन को स्टडी करना। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन ग्रुप है स्मॉल बॉडीज का। ट्रोजन जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, जैसे ये मान के चलिए सन है और ये जुपिटर है। तो ट्रोजन जो है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में छोटी छोटी स्मॉल बॉडीज़ हैं जो पिछले गैलेक्सी की डिस्ट्रॉयड बॉडीज़ हैं, उनके रेमेंट्स बचे हुए हैं। वो दो स्वाम्स में, यानी कि जुपिटर की जो ऑर्बिट है उसके आसपास दो स्वाम्स में सन को ऑर्बिट करते रहते हैं। जैसे एक ग्रुप, ये स्वाम्स का मतलब है ग्रुप, एक ग्रुप ये अर्थ को ऑर्बिट करते हैं जुपिटर के पास होते हुए। इन्हें ट्रोजन्स कहा जाता है। और जो कॉन्टैक्ट बाइनरी सैटेलाइट देखने में आई है, कॉन्टैक्ट बाइनरी सैटेलाइट का मतलब है कि दो सेलेस्टियल बॉडीज़ एक दूसरे पे रेस्ट कर रही हैं, ना कि एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, कि मतलब एक दूसरे में फोर्स नहीं कर रही हैं, बस एक दूसरे से बिल्कुल सट के लगी हुई हैं। उन्हें कहा जाता है कॉन्टैक्ट बाइनरी सिस्टम। ये लूसी मिशन आपको फर्स्ट स्पेस मिशन है जो एक्सप्लोर करेगा ट्रोजन्स को, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को जुपिटर के। सातवां आर्टिकल है सब नेपच्यून्स। सब नेपच्यून्स कहा जाता है जिनकी रेडियस नेपच्यून और अर्थ के रेडियस के बीच में होती है, उन्हें कहा जाता है सब नेपच्यून्स। और ऑर्बिटल रेजोनेंस कहा जाता है एक रेगुलर ऑर्बिट बनाने वाले जो ऑब्जेक्ट्स लगातार किसी चीज़ को ऑर्बिट कर रहे हैं और एक रिपीटिंग पैटर्न में ऑर्बिट कर रहे हैं, उसे कहा जाता है ऑर्बिटल रेजोनेंस। सॉरी, आठवां है कॉमेट P12। कॉमेट P12 ये हमारी इंडियन एक ऑब्जर्वेटरी है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। इसका इस जहाँ पे ये है उसका नाम है उस जगह का हेलन लद्दाख, वहाँ पर इसने ऑब्जर्व किया है कॉमेट P12 को। ये हर 71 ईयर्स में ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है सन की, और इसे फर्स्ट टाइम देखा गया था 1812 में। इसे कहा जाता है डेविल्स कॉमेट, डेविल कॉमेट। और ये जो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप है, ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो कि 4500 मीटर के एल्टीट्यूड पे स्थित है, और इसे ऑपरेट करा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के द्वारा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेविल कॉमेट से है कि हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप कहाँ पर है। WHO ने ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स का फोरम बनाया है, उसकी उसकी एक फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसके बारे में है ये एक नॉर्मल सा बेसिक है कि ऑब्जेक्टिव्स इनके होंगे डेवलप रिसर्च करने का, प्रोवाइड कैपेबिलिटीज़ क्लिनिकल रिसर्च सेफ हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखे जाएँ, मेजर्स रखे जाएँ, एथिकल रिव्यू रखा जाए। बोल बच्चन बातें हैं, नॉर्मल, कुछ इसमें इतना खास नहीं है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है ये मिलेट्स के लिए, इन्होंने इंडिया का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है कि मिलेट्स के स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए एक्सपोर्ट वगैरह के लिए, उस वजह से इसके बारे में बताया गया है। जो मिलेट्स हैं उसकी 15 वेराइटी की 15 वेराइटी को 8 पेरीमीटर्स पे नापा गया है, उस हिसाब से कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC ने अप्रूवल दिया है इंडियन मिलेट्स के प्रपोजल को। जो CAC है इसे 1963 में बनाया गया था, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है ये, जैसे अपने यहाँ पे FSSAI है, FSAI, WHO और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम में है, 189 मेंबर्स हैं। और ये जो CAC है ये अंडर आती है थ्री सिस्टर्स एग्रीमेंट के, जैसे जो कि WTO के सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं। ये कोर इकोनॉमी का टॉपिक है, एक बार इसे ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा SPS एग्रीमेंट को। तो ये उसके थ्री सिस्टर्स में से फूड सेफ्टी के लिए कोडेक्स, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC, और प्लांट हेल्थ के लिए इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन IPPC, और एनिमल हेल्थ के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH। ये तीनों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं SPS के, WTO के साइड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के अंदर। एक ये बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल बनाया गया है,
इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ये एक एपिक्स ऑटोनॉमस सोसाइटी है। इसे 14 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस इसके अंडर आते हैं, जो अपनी 1/3 लैब में इसकी रिसर्च के लिए प्रोवाइड करते हैं अलग अलग जगहों पर, जिसकी वजह से वो इनकी फैसिलिटीज़ यूज़ कर पाएँ उसके लिए। अब बात कर लेते हैं क्रिस्पर के बारे में। ये 2020 से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है, जब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री के लिए। क्रिस्पर कैस नाइन, क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। पैलिंड्रोम का मतलब होता है जिसे हम दोनों तरफ से एक ही तरह पढ़ पाएं, जैसे म ल या लम, यहाँ से पढ़ लो या यहाँ से पढ़ लो, दोनों तरफ से सेम है, पैलिंड्रोम्स उन्हें कहा जाता है। एक चीज़ मुझे मतलब मेरे टीचर ने सिखाई थी, शिविन चौधरी सर ने, जब मैंने साइंस एंड टेक ढंग से पढ़ा, बिकॉज मैं साइंस एंड टेक मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो उन्होंने बताया था कि वर्ड ब्रेकडाउन से आप 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो साइंस एंड टेक की, क्योंकि अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप आराम से ब्रेक थ्रू कर लोगे साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस, क्योंकि मोस्टली चीज़ें वर्ड्स जो हैं वो बड़े साइंटिफिक वे में यूज़ हुए हैं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस बारे में क्या है अगर आपने वर्ड ब्रेक डाउन कर लिया तो क्रिस्पर कैस नाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था 2020 में, इमैनुएल शार्पेंटियर एंड जेनिफर डोडना को। ये क्रिस्पर कैस नाइन जो एक्चुअली है, ये एक बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म है, उससे ये लिया गया है। तो हम देख लेते हैं एक बेसिक नॉलेज में, ये चीज़ जो है वो है, क्रिस्पर का काम है सर्च करना और कैस का काम है कट करना। क्रिस्पर और कैस जो है, क्रिस्प इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है, कैस एसोसिएटेड प्रोटीन 9। तो ये जो कैस है ये कट कर देती है, जैसे मान के चलिए अभी जैसे US में इनका कंटेक्स्ट ये है कि सिकल सेल डिजीज के लिए क्रिस्पर कैस नाइन को जीन थेरेपीज में अलाउ कर दिया है, सिकल सेल डिजीज़ के लिए। तो जैसे मान के चलिए एक जीन थेरेपी क्या होती है, जीन और जेनोम में पहले डिफरेंस समझ लीजिए। जेनोम जो होता है वो जेनोम पूरा DNA है, DNA की सारी इंफॉर्मेशन जेनोम कहलाती है। जीन स्पेसिफिकली कुछ एलिमेंट्स कहलाते हैं या कुछ पार्ट्स कहलाते हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे मान के चलिए कहा जाता है कि आपके अंदर अच्छी लंबी हाइट के जीन्स हैं, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के पास वो थे तो वो आपको आ गए, तो जीन एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, जिनोम पूरा का पूरा सिक्वेंस है। जिनोम और जीन में ये डिफरेंस है। तो जीन थेरेपी में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कहीं पर, जैसे सिकल सेल डिजीज में किसी को कोई इशू हो गया और उसके जेनेटिक म्यूटेशन हो गए, म्यूटेशन यानी कि मॉडिफिकेशन, कुछ चेंज आ गया, तो इस क्रिस्पर कैस नाइन से हम पता लगा लेंगे कि कहाँ पे कौन सा जीन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, और उसे पता करके क्रिस्पर फाइंड करता है और कैस से कट करके उसे फिर नॉर्मली अपने आप ही उन सेल्स को जुड़ने देंगे, तो वापस जो जो ये म्यूटेशन हुआ है वो अपने आप हट जाएगा। अगर नहीं हटता है तो फिर हम एक टेम्पलेट्स होती हैं, टेम्पलेट्स मतलब बनी बनाई सेल की, नॉर्मल सेल की, जैसे इससे पहले ये जो इनके में म्यूटेशन हुआ है उससे पहले जैसे इनकी बॉडी में DNA बन रहा था उसकी स्पेसिफिक टेम्पलेट्स बनाई जाती हैं। उन टेम्पलेट्स के थ्रू जैसे ये कट लग गया मान के चलिए, जस्ट सेकेंड, जैसे मान के चलिए कट लग गया और यहाँ पे ये जगह खाली हो गई, ये ब्लू जगह ही खाली हो गई मान के चलिए, यहाँ पे हमने कट लगा दिया सीजर से कैस से, तो अब ये जगह खाली है, तो यहाँ पर हम वो टेम्पलेट सेट कर देंगे जो नॉर्मल टेम्पलेट थी, जो DNA म्यूटेट होने से पहले था वैसा, उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारा DNA वापस नॉर्मल सिक्वेंस में आ जाएगा। ये काम है क्रिस्पर कैस नाइन का बेसिकली। बस एक चीज़ समझ लीजिए कि जीन थेरेपी से आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स नहीं सही कर सकते। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं आपके DNA का कंडेंस फॉर्म, जिसमें DNA की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं वो क्रोमोसोम होते हैं, और ये इकट्ठी कंडेंस फॉर्म में DNA है मान के चलिए क्रोमोसोम,
और ये 43 पेयर्स में होते हैं, मतलब होते 46 हैं, 23 पेयर्स होते हैं इनके, 23 पेयर्स टोटल यानी कि 46। तो ये आपको 23 फादर से मिलते हैं, 23 मदर से मिलते हैं। उसके पीछे माइटोसिस एंड मियोसिस वाला प्रोसेस है, वो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो ये जो 46 आपको पेरेंट से मिलते हैं, वो क्रोमोसोमन डिसऑर्डर्स इस वजह से इससे सही नहीं हो सकते जीन थेरेपी से, बिकॉज क्योंकि हमें करोड़ों क्रोमोसोम्स को फिर सही करना पड़ेगा बेसिक से। क्योंकि जीन में तो ऐसा हो सकता है कि जीन में जहाँ पे एक टेम्पलेट है जहाँ पे वो ख़राब ही आई है, हम वहाँ पकड़ के उसे कट लगा के नॉर्मल टेम्पलेट लगा के उसे ओवरकम कर जाएंगे, बट क्रोमोसोम तो इतने सारे हैं, करोड़ों में क्रोमोसोम्स होंगे, उन्हें कहाँ तक एक एक करके आप सही करोगे। इस वजह से कभी भी स्टेटमेंट आ सकता है कि इससे आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सही कर सकते हो, जीन थेरेपी से नहीं कर सकते। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। ये एक बेसिक आया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए थे उनका रीनेम कर दिया गया था आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो वो कुछ रिलीजियस एंगल है उस वजह से इसे मना कर दिया गया है मंदिर बोलने से, तो उसका बेसिक है। बट आप आयुष्मान भारत योजना ज़रूर एक बार देख लेना। आरोग्य मैत्री क्यूब, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल आरोग्य मैत्री एड क्यूब बनाया है गुरुग्राम में, हरियाणा में। ये एक्चुअली 72 हमने इकट्ठे 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स बनाने का सोचा है। इसका काम है कि अचानक से कभी डिजास्टर आए या फिर मास कैजुअल्टी हो जाए और ओवर फ्लड हो जाए हॉस्पिटल, तो हम वहाँ पे इलाज कर सकते हैं, और ये एक्चुअली में ट्रीट कर सकते हैं 200 पेशेंट्स को एट अ टाइम। और इस मैत्री क्यूब को बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट भीष बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट है, और हमसे स्टेटमेंट में आ सकता है कि वर्ल्ड फर्स्ट ऐसा ऐसा गुरुग्राम में हुआ है या फिर लद्दाख में हुआ है, तो हम गलत ना करें, तो ये इम्पॉर्टेंट है देखना एक बार। एक्टोसाइट, एक्टोसाइट एक न्यूट्रोसिटिकल है। न्यूट्रोसिटिकल का मतलब है कि किसी को अगर डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है इस न्यूट्रोसिटिकल टैबलेट को, कैंसर पेशेंट्स में इसने सक्सेस दिखाई है। और न्यूट्रोसिटिकल का मतलब होता है कि कोई फूड प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करता है हेल्थ बेनिफिट्स और प्रिवेंट करता है डिजीज़ को और ट्रीटमेंट करता है डिजीज़ को, और ये रेडियोथेरेपी के इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करता है, इस वजह से इसका यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने, और इसे FSSAI ने अप्रूव कर दिया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये याद रखिएगा क्योंकि आप डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लगा के आ जाएंगे, ईजिली कोई भी लगा सकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अलॉन्ग विथ प्राइवेट फार्मा कंपनी, तो वो उसका नाम ज़रूरी नहीं है, बट एटॉमिक एनर्जी याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक फर्स्ट पेशेंट जो डायग्नोस हुआ था जिनमें ये पॉम्पे डिजीज़ पाया गया था, उनकी डेथ हो गई है। ये एक डिसऑर्डर है, बहुत रेयर डिसऑर्डर है ये, मतलब 10 लाख में सिर्फ एक ही बच्चे को होता है, और ये डिफेंसी एक इंजाइम की डिफिशियंसी से होता है। इंजाइम क्या होता है? इंजाइम एक कैटलिस्ट होती है, इंजाइम की डिफिशियंसी से होता है। उसका नाम है ग्लूकोसाइडेज, ग्लूकोसाइडेज एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स को ब्रेक डाउन करती है वो उसमें नहीं होती, इस वजह से ये डिजीज़ हो जाता है पॉम्पे डिजीज़। और ये वर्ल्ड वर्ल्ड का फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। इसके सिम्टम्स हैं मसल वीकनेस, हार्ट प्रॉब्लम्स। ट्रीटमेंट्स मोस्टली मैनेज द इम्प्रूव, इसके ट्रीटमेंट कोई, इसकी अभी वैक्सीन नहीं है, इसमें सिर्फ आप सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हो जिससे आप पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हो। अभी इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं जिससे पूरी तरह से सही हो जाए। तो ये फर्स्ट लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। लाइसोसोम एक कंपोनेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, ये उसके स्टोरेज का डिसऑर्डर है। वर्ड ब्रेकडाउन ऑलवेज वर्क्स, आप इसी समझ सकते हो। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कमेंट में एक बार सर्च करके ये बताओ कि लाइसोसोम क्या होता है। थोड़ा सा आप वर्क करोगे ना तो आप ये चीज़ें कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं आपको स्पून फीड कराता रहूँगा तो आप पढ़ सुन भी लोगे 2x में, 3x में, जितने में आप पढ़ना चाहो, बट आप भूल जाओगे। पर एक बार आपने अगर 1 सेकंड निकाल के लाइसोसोम सर्च कर लिया
तो आप फिर कभी नहीं भूलने वाले कि पॉम्पे डिजीज क्या है। ये शुगर को ब्रोक डाउन करने की डेफिशिएंसी है एक एंजाइम की, उससे ये डिजीज़ होता है। ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स, GLVS, ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो क्या है। ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स वो हैं जो प्लांट्स रिलीज करते हैं टू सिग्नल देयर कॉमरेड्स, मतलब दूसरे आसपास के प्लांट्स को कि डेंजर उनके पास है। ये वो केमिकल्स हैं। अब साइंटिस्ट ने इस चीज़ को देख लिया है, विजुअलाइज कर लिया है कि ये कंपाउंड कैसे सीक्रेट करते हैं ये प्लांट्स, उसके बारे में है। तो आपको ये बस याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ ग्रीन लीफ वॉलेटाइल्स रिलेट टू, तो आपको याद रखना है कि ये प्लांट्स सीक्रेट करते हैं अ केमिकल टू सिग्नल अदर प्लांट्स कि डेंजर इज नियर। और एक और ये आर्टिकल है, JT60SA एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है ये। ये जापान में इनाग्रेट हुआ है, ये यूरोपियन यूनियन और जापान का जॉइंट इनिशिएटिव है, और साथ में ITER इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन का काम है इसमें। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होती है, दो टाइप के प्रोसेस है न्यूक्लियर, एक फ्यूजन एक फिशन। वर्ड ब्रेकडाउन, फिशन का मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, इसका मतलब कंजुगेट करना या ज्वाइन करना। तो इसमें जो एटम की न्यूक्लियाई होती है वो स्प्लिट हो जाती हैं छोटे 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 पार्ट में टुकड़े होके, और फ्यूजन में दो न्यूक्लियस को ज्वाइन किया जाता है। बट जो फ्यूजन है वो अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। टोकोमक जो फ्रांस में चल रही है एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें अभी तक हमने पूरी तरह से कंप्लीट शो नहीं कर पाए हम शोकेस फ्यूजन को, क्योंकि फ्यूजन जो होता है वो सन में होता है, उसके लिए प्लाज्मा रिएक्शन मतलब बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, वो हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं एक सस्टेनेबल वे में। फिजन जो मोस्टली हर अभी तक जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स आप सुनते हो उन सब में फिजन रिएक्शन होता है। फिजन रिएक्शन में क्या होता है कि ये कंट्रोल्ड वे में लगातार न्यूक्लियस स्प्लिट करते हैं और ये एक एनर्जी का सोर्स बन जाते हैं लगातार। जैसे एक न्यूक्लियस है वैसे टूट के चार पांच बार 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 और मिलियंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। बट जो फ्यूजन है, फ्यूजन में दो न्यूक्लियस जुड़ जाती हैं और इससे कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल वैसा नहीं निकलता जो ख़राब हो, और क्योंकि इसे माना जाता है कि अनलिमिटेड फ्यूल है फ्यूजन जो सन में होता है, उसे हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सारा काम चल रहा है। अगला है एंथ्रोबोट्स। एंथ्रोबोट्स टाइनी रोबोट्स हैं, इसे स्किन के ट्रैकियल सेल से लिया गया है, स्किन के ट्रैकियल सेल से, मान के चलिए एक नॉर्मल सेल से, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं थोड़ी बहुत, और फिर उनका यूज़ किया गया है आपके न्यूरॉन्स को सही करने में। ये एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, इसकी वजह से एंथ्रोबोट्स चर्चा में है। तो आपसे स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है कि एंथ्रोबोट्स रिसेंटली इन यूज़ कैन बी यूज्ड फॉर टारगेट ड्रग डिलीवरी, वो भी सही है। एक हील कर सकते हैं काफ़ी सारी न्यूरल डिजीज़ को, न्यूरॉन्स को हील कर सकते हैं, वो भी सही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखेंगे अगर साइंस में तो इशू नहीं आएगा। ये एक हाइड्रोजन हेरिटेज स्कीम है, इसमें हाइड्रोजन के द्वारा चलाई जाने वाली कुछ जाने वाली है इंडियन रेलवेज की ट्रेन, इस वजह से ये न्यूज़ में है। इसमें जो रेट्रोफिट है यानी कि पुरानी जितनी भी डीजल वाली ट्रेन्स हैं उनके कुछ इंजन्स को हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और फिर हाइड्रोजन से चलाई जाएगी ट्रेन, तो ये उसके लिए है। इसका नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम। और ये है क्रू ट्रिम। क्रू ट्रिम एक एल्गोरिथम मतलब चैटबॉट काइंड ऑफ है, लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये 22 लैंग्वेजेस समझ सकता है और 10 लैंग्वेजेस में कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। ये ओला की तरफ से है, इसी वजह से
काफ़ी इसका सुनने में आया है। तो कुछ फेमस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है ये। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी, और ये अब क्रूट्रिम ओला। तो ये हो गई है हमारे हिसाब से कंप्लीट। हाँ जी कल्चर, तो दिसंबर की मंथली मैगजीन कंप्लीट हो गई है, ऐसे ही हम नवंबर की कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, कुछ इशू लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, एंड ऐसे ही मैं लाता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे। एक्चुअली मेरे 12th से मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम हैं, तो 12th से 19 तक मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, बट फिर भी बीच में वीडियो आएगी, ऐसा नहीं होगा कि गैप रहेगा। लेक्चर्स तो आएंगे बट इतनी जल्दी फ्रिक्वेंसी में नहीं आ पाएंगे, फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाएंगे, बट प्लीज़ आते रहेंगे। और आप इसे देखने के बाद प्लीज़ अपना रिएक्शन, अपना फीडबैक दीजिए कि कुछ अंडरस्टैंड करने में कुछ इशू आ रही है, तो आई गेट इन टू इट और उसे मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, और प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए अपने कमेंट्स में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।